तो आप लोगों को जो सरकार ने राशन दे रही है और सरकार राशन बंद कर करके पैसा देने का बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को पैसा से क्या दिक्कत हो रहा है? तो दिक्कत हो रहा है, हमको राशन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं रहेगा हाथ में, दाना तो एक से दूसरे घर में बचेगा। राशन चाहिए कि बाल बच्चा छोटा छोटा है, लाएंगे तो तुरंत घर को खाना करके देंगे, राशन बचेगा, 2 रुपया नहीं बचेगा। हम पैसा से हमको कोई लाभ नहीं है, हमको दाना से लाभ है। पैसा तो देगा, अभी तो लगाएगा, उसके बाद कब मिलेगा नहीं मिलेगा, हरिया चढ़ा के हम जाएंगे। ये नहीं हमको कि हम पैसा ला नहीं उठा तो हम खाना बना के खा लेंगे, हमको वो नहीं चाहिए, हमको राशन चाहिए। यहाँ राशन लेंगे तो हम लोग को कम पैसा में राशन मिलेगा। तो फिर आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को राशन चाहिए। जैसे पहले राशन मिलता था, तेल किरासन दाल सरफ जो भी साबुन सरफ मिलता था, वही चाहते हैं हम लोग, पैसा नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक कानून बनाया था, जिसमें कि प्रत्येक SSC कार्डधारी को प्रत्येक व्यक्ति पे 5 किलो राशन दे रही है और 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल। आज सरकार ने उसी कानून को बदल कर अनाज के बदले पैसे देने की बात कर रही है। ये मुद्दा सिक्कट पंचायत की है, जो कि बराड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का ही अंतर्गत पड़ता है। और जब सरकार ने इन्हें पैसे देंगे तो क्या इसे पैसा को लेकर के कितना मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में लाइन लगना पड़ेगा, उसके बाद जो कि उन्हें फिर आने जाने का रुपया भी लगेगा, और उसके बाद फिर उस पैसे से बाज़ार जाके सामान खरीदना पड़ेगा। और बाज़ार में चावल की रेट जब हम दुकानदार से पूछें तो उन्होंने बताया कि चावल का रेट बहुत अधिक हो रहे हैं और दाल का भी रेट अधिक हो रहे हैं, और कम होने का तो कोई बात नहीं है। जितने ये भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे MO साहब का नंबर है 94-31-47-16-55, इन पर कॉल करके दबाव बनावे ताकि यहाँ की समुदाय को पहले के जैसा राशन ही दिया जाए। मैं हूँ रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया हनट के लिए।